10 तारीख को कुरु पद्म संभव उनका अभी जन्म दिवस है। चाय, हर्बल चाय। हाँ सही है। लद्दाख की इस ठंडी और बंजर सी जमीन में जैसे फिर से जान आ जाती है जब हेमिस फेस्टिवल आता है, जो हर साल होता है लद्दाख की हेमिस मॉनेस्ट्री में, बुद्धिस्ट और मंग्स का सबसे फेमस और पॉपुलर फेस्टिवल, जिसे देखने के लिए लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं। ये सेलिब्रेशन होती है बुद्धिस्ट गुरु पद्मसंभवा की बर्थ एनिवर्सरी की, जिसमें मंग्स बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के कपड़े और अलग अलग फेसेस के मास्क पहन के मास्क डांस करते हैं, जिसे कहते हैं छम डांस। जो गुरु पद्मसंभवा, सिकंद बुद्ध भी बोलते हैं इसको, गुरु पद्मसंभवा, उनका अभी जन्म दिवस है। जो 8 मैनिफेस्टेशन होते हैं, उनका अवतार 8 अवतार होता है, उनका एक एक करके यहाँ पर उनका मास डांस होता है। उन्होंने अलग अलग शेप में लोगों को धर्म मतलब उपदेश दिया था, किसी को मतलब शांति से, किसी को मतलब क्रोधित से, किसी को मतलब इस तरह से अलग अलग उन्होंने, जैसे टीचर होता है ना, कोई बच्चा शैतान होता है उसको तो बिल्कुल डांट के मार के ना इस तरह से उन्होंने अलग अलग शेप में मतलब लोगों को उपदेश दिया था। आप लोग इस तरह से डांस करता है ना, मस्ती में डांस करता है ना, लोगों को ये इसको बिल्कुल श्रद्धा के साथ देखना होता है। ये तो बिल्कुल पूजा पाठ जैसा है, श्रद्धा के साथ इनको मतलब इस तरह से हाथ जोड़ के पूरा मस्तक नीचे करके इसको देखना होता है। ये अलग अलग जो जिसे डांस देखता है मस्ती में, ऐसा नहीं होता, इसको तो बिल्कुल श्रद्धा के साथ लोग आता है इसने देखना होता। ये 2 दिन चलने वाला फेस्टिवल लद्दाख की कल्चरल लेगेसी को आगे बढ़ाता है और बुराई पे अच्छाई की जीत को दिखाता है। और ये शोकेस करने के लिए एक आटे का स्कल्पचर बनाया जाता है जो कि इविल पावर्स को रिप्रेजेंट करता है, और मास्क डांस के एंड में उस स्कल्पचर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। स्कल्पचर के एशेस को चारों डायरेक्शन में फेंका जाता है। माना जाता है कि ये आत्मा की शुद्धि करता है,
यानी प्योरिफिकेशन ऑफ सोल आफ्टर डेथ। बाकी बस बाहर से भी ये इमीज फेस्टिवल मतलब फेमस भी है, क्योंकि बाहर से फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आता है इनको देखने के लिए। इंडियन टूरिस्ट होता है ना, पहले तो नहीं आता था, अभी पता चल गया कि इमीज फेस्टिवल क्या होता है। तो आपने देखा होगा अगर कितना वो इंडियन टूरिस्ट भाई आए। लद्दाख में तो ऐसे बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, और अगर आप भी कभी लद्दाख आए तो ज़रूर देखना कि आप किसी फेस्टिवल के पास अपनी ट्रिप प्लान करें, क्योंकि लद्दाख की ये साइड उस साइड से बहुत अलग है जिसे हम लोग जानते हैं।